So hello guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Archit Sharma और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपना पुणे एक्सपीरियंस. मतलब मुझे 7 महीने हो चुके हैं पुणे में रहते रहते, तो अब तक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है, अपने घर से यहाँ वापस यूपी से यहाँ इतनी दूर आना, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे लोग मिले, कैसा खाना है, कैसा सब कुछ है, घूमने का, खाने पीने का, घूमने फिरने के लिए जो भी जगह है, तो सारा सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में. मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में. तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब. कर ही देना सब्सक्राइब तो ठीक है. तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ. तो मतलब जब मैं आया था यहाँ पे, मुझे याद है मैं आया था यहाँ पे 3 मार्च को सुबह 8 बजे तक आ गया था, ठीक है. तो 3 मार्च से लेके अब तक मुझे लगभग 7 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब हो जाएंगे थोड़े दिन में 7 महीने कंप्लीट होने वाले हैं मुझे. तो जब से मैं आया था जब से लेके अब तक, मतलब शुरुआत में तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार कहाँ आ गया, कैसी जगह है, कुछ नहीं समझ आ रहा था, बिल्कुल ही बुरा लग रहा था. मतलब ऐसा लग रहा था कि वापस से फिर से चला जाऊँ वापस अपने घर, ठीक है. मेरा घर यहाँ से दिल्ली के पास रहे, मतलब जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है या एयरपोर्ट पड़ता है वो दिल्ली पड़ता है मेरे लिए. तो मैं फ्लाइट की टिकट थी तो दिल्ली से ही आया था मैं, और रहने वाला मैं अलीगढ़ के पास का हूँ, अलीगढ़ आगरा के बीच में हाथरस पड़ता है, सुना हो तो वहाँ का था. तो लगभग वहाँ से जो ट्रैवल टाइम है वो 1500 किलोमीटर तो है ही है, ठीक है. तो फ्लाइट से तो 3-3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रेन से मतलब आने जाने का करीबन 1 दिन से ज़्यादा चाहिए अपने को, 26-27 घंटे चाहिए. एक दुरंतो है वो जो 19-20 घंटे पहुँचा देती है, तो बाकी सारी ट्रेन है वो सब 1 दिन से ज़्यादा ही लेती है, 24-27 घंटे इतने ही टाइम लेती है यार. तो वो भी था कि यार जब आए हैं हम तुरंत कहीं जा भी नहीं सकते कि सैटरडे संडे की छुट्टी मिली चलो भाई घर चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते थे ना क्योंकि दूर काफ़ी हो गया. और मैं यूपी से रहने वाला, सब लोग वैसे रह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र शहर है, तो महाराष्ट्र में आना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो चेंज हो रही थी. ऐसा लग रहा था जब मैं आने से पहले सोच रहा था यार कैसे लोग होंगे, कैसे रह पाऊँगा मैं वहाँ पर जाके, क्या ही होगा क्या नहीं होगा, बड़ा दिक्कत सी हो रही थी और दिमाग में यही चल रहा था. पर मैंने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे नया शहर है, घूमेंगे उसे भी, कैसे लोग हैं क्या नहीं उसे भी देखना तो है ही यार. मतलब अब नौकरी कर रहे हैं कहीं या कहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम घूमने जा रहे थे करने तो नौकरी आए थे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन घूमे के वापस चले जाएंगे. तो रहना भी था तो दिमाग में वो तो था ही कि यार रहना तो है. लेकिन जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया ना, पहले दूसरे दिन मेरा को इतना अजीब सा लग रहा है कि यार कहाँ ही आ गया, खाना खा के देख रहा कुछ खाने में स्वाद नहीं आ रहा मुझे कैसा खाना दे रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था. लेकिन जब से अब तक मतलब 7 महीने हो गए मुझे, और इस बीच में मतलब मैं एक बार घर पे गया हूँ थोड़े दिन के लिए, बाकी तो मैं नहीं गया. मतलब 5-6 महीने से कंटिन्यूस अभी तो यहीं रह रहा हूँ मैं. शुरुआत में गया था थोड़े दिन के लिए घर पे, उसके बाद तो मैं इधर ही रह रहा हूँ. मतलब 5-6 महीने हो गए मुझे बिना घर जाए हुए अभी तक. तो मतलब अब चीज़ें काफ़ी सही लगने लगी है. मतलब मुझे अपने उधर जाने से बेहतर मुझे लगता है कि यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है यार. मतलब हमारी तो गर्मी में सोचो ना, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, मई जून जुलाई अगस्त इतनी गर्मी पड़ती है हालत ख़राब हो जाती थी हमारे यहाँ गर्मियों में. यहाँ पे यार जून जुलाई अगस्त ये पूरे टाइम बारिश ही पड़ रही है, ठंड पड़ती थी, कंबल वंबल ओढ़ के सो रहे हैं हम लोग, पंखा बंद करके गीजर के गर्म पानी से नहा रहे हैं. तो ऐसा सब कुछ हो रहा था, घर पे बात करता था मम्मी बताती थी कि यार गर्मी बहुत पड़ रही है इधर, तो मेरे की यार ठंड पड़ रही है सही है यार. तो भाई तो टेम्परेचर का तो वेदर का तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं था, क्योंकि वेदर काफ़ी सही रहता है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड तो कुछ भी इशू नहीं था. और फिर धीरे धीरे जो यहाँ का खाना पीना था वो भी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी. मतलब ठीक लगे कि यार हम लोग जब यूपी में रहते हैं कुछ भी रहते तो पिक्चर ही देखते हैं बचपन से, फिल्म सिटी मुंबई सुनी है बस हमने कि हाँ वहाँ तो सेलिब्रिटीज रहते हैं, ये रहता है वो रहता है. तो उस टाइम पे भी बचपन से जाना कि एक बार जाना तो यार मुंबई घूम के आना, तो पुणे वही लगता है कि मुंबई के पास ही है, 200 किलोमीटर ही तो है, अभी उधर ऐसा कर लेंगे. पर हाँ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा भैया, 7 महीने हो गए रहते रहते मुंबई नहीं गए आज तक. पर ठीक है जाएंगे शायद, प्लान बन रहा है अब चले जा, वो बात तो छोड़ो. पर हाँ जाना तो वही था कि लेकिन दूसरा शहर है महाराष्ट्र, मतलब यहाँ लोग मराठी में बहुत बात करेंगे, और जहाँ भी जाते हैं हर जगह का लोकल रहता है ना, कि यूपी में जैसे यूपी के लोग आते हैं तो यूपी के लोग कहते हैं, जैसे यहाँ के लोग जो कहते हैं यूपी के लोग थोड़ा लड़ने वाले रहते हैं, ऐसा रहता है माहौल, ये सब रहता है. तो वाला सीन अपने यूपी का रहता है हमको, लेकिन उसकी आदत है हम वहाँ रह रहे हैं,
ऐसे ही जब यहाँ के लोकल्स में हम लोग आएंगे तो मुझे वही तक यार कैसे रहेंगे कैसे नहीं, अदर स्टेट का देख के कुछ दिक्कत विक्कत ना हो जाए भैया, कैसे लोगों से बन पाएगी कैसे नहीं, वो अपनी लोकल मराठी भाषा में बात करेंगे हमें समझ में नहीं आएगी मतलब, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। पर वही कि चलो देखी जाएगी, देखते तो नहीं है क्या है क्या नहीं, चलो चलते हैं। तो वही अपने दिमाग में आया, तो रहते रहते मतलब सारी चीज़ें समझ आने लगी, खाना पीना भी अच्छा लगने लग गया यहाँ का जो भी मिल रहा है, और अपनी तरफ बड़ा पाव तो मिलता नहीं है, बड़ा पाव तो यही का फेमस है। सारी वीडियो देखी भाई, सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो सबको फॉलो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं बड़ा पाव ऐसा यहाँ इतना अच्छा मिलता है ये मिलता है, तो वो तो सुना ही हुआ है ना कि हाँ यार बड़ा पाव तो खाना है, मिसल पाव है वो इतना मिल रहा है, ये तो खाना है, ये भी चीज़ें हैं। तो शुरू में तो बड़ा पाव मिसल पाव बढ़िया लगा था, फिर क्या सूखा सूखा दे दे रहे हैं, पर हाँ पर अब तो वो भी बढ़िया लगने लगा था। अब तो ऐसा हो गया कि शाम को फ्री में यार बैठे हुए हैं कि क्या करें क्या करें, अब चल यार बड़ा पाव खा के आते हैं, तो वो वाला सीन हो गया कि बड़ा पाव अब अल्टीमेट एनी टाइम दे दो वाला सीन हो गया है अब तो वो भी अच्छा लगने लगा सारी चीज़ें। और लोग वो यार यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, कुछ हमें हेल्प चाहिए कुछ भी चाहिए काफ़ी अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपनी तरफ थोड़ा वैसा रहता ना कि हम लोग प्यार मोहब्बत में गाली देते रहते हैं, गुस्से में देते हैं प्यार मोहब्बत में देते हैं, यहाँ पे मतलब मैंने वो नहीं देखा कि लोग प्यार मोहब्बत में गाली दे रहे हैं, वो भी नहीं देखा मैंने। जब अपनी तरफ रोड पर चलते चलते तो दिल जाएगा गाली दे रहे हैं, कोई चाल लोग इधर दे रहे हैं कोई इधर दे रहे किधर सुनना, तो अपनी तो यहाँ पे मैंने यही नहीं देखा कि प्यार मोहब्बत में भी लोग यहाँ गाली दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ सही थी मतलब, और लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा सही थे मतलब। अगर मराठी में जैसे आपस में लोग बात कर रहे हैं तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारे लिए हिंदी में भी बोल देंगे, जैसे अभी क्या भाई समझाना क्या बोल रहा है, तो वो उसमें तुम्हें बता भी देंगे हिंदी में, अगर तुम हो सराउंडिंग में उन्हें पता है कि यहाँ जब मराठी नहीं आती तो हिंदी में बात करते हैं, वो हिंदी यहाँ पे ज़्यादा सबको आती है, तो उस भाषा से लोकल मतलब रहने से वो सबसे तो कोई भी इशू नहीं हुआ मतलब, काफ़ी ज़्यादा सही लोग थे जितने भी मिले जितने भी घूमे फिरे या कहीं भी घूमने गए हम लोग। तो वही एक बार तो घूमने गए थे भीमाशंकर गए थे, वहाँ से रास्ता भटक गए हम लोग, स्कूटी से आ रहे थे रात हो चुकी थी, रास्ता भटक गए, मैंने कि यार किससे पूछे कैसे करें, तो वहीं लोकल वगैरह थे उनसे पूछा हमने कि भैया कैसे जा पाएंगे मतलब, तो वही कि पहले लग भी रहा था कि हम लोग हिंदी बोलेंगे कुछ वो ना हो जाए वैसा सब कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने पूरा बताया, उन्होंने बोला आप गाड़ी के मतलब वो भी जा रहे थे उधर ही साइड पुणे आ रहे थे निकल के, बोले आप गाड़ी के पीछे पीछे जाना है और यही रोड सीधे पकड़ लेना तो निकल जाओगे, तो ये सब भी काफ़ी बढ़िया हमारा वो रहा था। अभी बीच में क्या हुआ लवासा सिटी गए थे हम लोग, तो वहाँ पेट्रोल खत्म हो गई रास्ते में, हमने कि डलवा लेंगे आगे पेट्रोल खत्म हो गई, पर वहाँ पेट्रोल खत्म हो गई वहाँ मिलती नहीं आसपास कहीं, तो एक हम लोग जो खाने पीने का एरिया था वहाँ जाके पहुँचे, एक अंकल आंटी थे उसके ओनर, तो वही हमने बताया उनको कि ये खत्म हो गया इसमें पेट्रोल वगैरह, तो वही उस टाइम भी यही लग रहा था कि कैसा सब कुछ अदर दूसरा शहर है, पर नहीं यार वो लोग उधर अच्छे, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा मेरे साथ में, एक बोतल ली हमने मेरे पास भेजा, करीबन 3-4 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पम्प, तो वहाँ उन्होंने भेजा मेरे साथ में, फिर हम पेट्रोल लेके आए सब कुछ करा हमने, तो काफ़ी ज़्यादा यार सही रहा था वो टाइम, तो काफ़ी बढ़िया था। और रहने वहने के हिसाब से भी मतलब काफ़ी सस्ता है, अगर तुम पीजी में रह रहे हो वैसे रह रहे हो वैसे सस्ता ही है, 6,000-6,500-6,000-7,000 रुपये महीने का तुम रह रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा खाना पीना तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, इतने महीने में तुम रह पा रहे हो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो इतना सस्ता तो यार हमारी तरफ भी नहीं था, जहाँ मैं कॉलेज रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में तो वहाँ भी नहीं था इतना सस्ता, तो उस हिसाब से भी ठीक है वहाँ पे, यहाँ पे तो इस हिसाब से भी यहाँ पे ठीक लग रहा था पैसे के मामले में भी। और उसके अलावा के घूमने फिरने के लिए मतलब अगर तुम सही में घूमने वाले हो, इतनी जगह है यहाँ पे घूमने की मतलब, एक तो इतनी सारी लेक्स है हर जगह, पहाड़ है, ट्रैक कर लो ये कर लो फलाना ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना तुम कुछ भी कर सकते हो मतलब, डेली तुम नई जगह जाओगे ना तब भी ख़त्म नहीं होंगी इतनी सारी चीज़ें हैं मतलब, तो ये भी चीज़ें हैं कि घूमने फिरने के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और फिर बाकी जैसे यहाँ के जो वो होते हैं कल्चर वगैरह, जैसे हमारी तरफ गणेश विसर्जन गणेश जयंती इतनी अच्छे से नहीं मनाई जाती, यहाँ पर पूरा सब कुछ चलता है, तो वो इस बार मतलब देखने को मिला कैसे चलते हैं, गणेश जी को लेके आते हैं क्या क्या होता है कैसे करते हैं, तो वो सब देखने को मिला मतलब, नई सोसाइटी नया कल्चरल वो तो देखने को मिलेगा तो वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, काफ़ी सही था वो भी मतलब। इस बार मैंने होली भी यहीं मनाई थी तो वो भी काफ़ी बढ़िया थी, तो वो भी अलग एक अलग तो वो भी एक अलग मतलब वो था अपने में कि हाँ कैसी होली बना रहे हैं अपनी तरफ कैसी होती है यहाँ पे कैसी हो रही है, तो वो भी अलग डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट तो था ही मतलब, तो वो भी लेकिन देखने वाली चीज़ें थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा यार मुझे तो बेहतरीन लग रहा है पुणे,
कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हाँ बस मेरा घर दूर है यहाँ से, कि तुम्हारा 2 दिन में यार मन कर रहा है कि हाँ 2 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी, घर चले जाओ, तुम नहीं जा पाओगे। तो यही एक बस जो लगता है, बस एक यही लगता है, ये तो रहने के मामले में, खाने पीने के मामले में, घूमने के लिए, महंगाई से लेके खर्चे के लिए, तो उन सब में काफी ज्यादा बेहतरीन है पुणे शहर। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप आ रहे हो तो बेफिक्र होके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सही में सच बता रहा हूँ, मतलब मजे ही है। वैसे यहाँ पे घुल मिल जाओगे ना, यहाँ पे घुल मिल जाओगे ना, तो यार मजे ही है। तो बढ़िया शहर है मेरी तरफ से, तो अगर आना है तो आ जाओ, हम भी मिल लेंगे। ठीक है फिर, तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं फिर पुणे में, चलो।